हर जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको दिख रहा होगा आधुनिक भारत का इतिहास, और ये खान सर का शॉर्ट नोट का ये बुक से जो है बुक का ये पीडीएफ है। और आपको बता दें, इसमें पूरा मैं वन शॉट वीडियो, चाहे आधुनिक भारत हो, चाहे मध्यकालीन भारत हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका वन शॉट वीडियो में कराने वाला हूँ। लगभग एक से डेढ़ घंटे या दो घंटे का वीडियो होगा, लेकिन पूरा सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराऊंगा। क्विक रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन ये बुक होने वाली है। ये खान सर का शॉर्ट नोट है, और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा इसकी भी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो में आपको बने रहना है, आपको इसका जरूर फायदा मिलने वाला है। प्यारे साथियों, चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाले यूरोपीय कंपनियों का क्रम में पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन और फ्रांसीसी हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए याद कैसे करेंगे, पी डी बी डी एफ। ये जो है कंपनियों के कंपनी का क्रम है भारत आने वाले, और इनका बनने का क्रम होगा पीडीए। अभी उसकी भी चर्चा हम करेंगे। वास्को डी गामा जो है, सॉरी, वहीं पर भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में, और अंत में गए कब, 1661 में। पुर्तगाली कहाँ पर आए थे, पुर्तगाल के वास्को डी गामा, तो केरल के कालीकट तट पर आए थे। और वहाँ पर स्वागत किसने किया था आप बताओगे, राजा जमोरी ने स्वागत किया था। अब आगे हम देखते हैं, वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली जो अब्दुल मनीक, देखिए कौन, अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में भारत के कालीकट तट पर पहुंचा, जिसका स्वागत किसने, जमोरी ने स्वागत किया था। देखिए, इन सब की चर्चा ही भी हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखें, पुर्तगालियों ने भारत पर आगमन से भारत के तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई थी। यानी कि कहा जाए कि तंबाकू खेती कौन लाया था, जहाज निर्माण की पद्धति और प्रिंटिंग प्रेस सब जो है आप बताएंगे पुर्तगाली ही लेके आए थे। अब यहाँ पर 1556 में पुर्तगालियों ने जो है अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित किया आप बताओ, 1556 में किसने स्थापित किया बताओ, पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला, प्यारे साथियों बने रहें आप। पुर्तगालियों ने भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गौथिक शैली का विकास किया था, किसका आप बताएंगे, गौथिक शैली का आविष्कार किया। और वहीं 1602 स्थापित डच इंडिया कंपनी ने भारत में मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहला डच कारखाना, देखिए डचों ने कब स्थापित किया आप बताएंगे, 1605 ईस्वी में अपना कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। ये चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1605 में कहाँ पर आप बताओगे, मसूलीपट्टनम में। और कब स्थापित हुआ, 1602 में इनकी कंपनी की। अब बात करते हैं, भारत में अन्य कंपनियों की स्थापना, जैसे पुलिकट 1610 ईस्वी में सूरत में हुआ, और उसके बाद में सूरत में कब, 1616 में, चिंसुरा में 1653 में, कोचीन में 1663 में, कासिम बाजार, पटना और बालासोर में कितना, 1668। ये डचों के कारखाने की बात हो रही है। अब डचों द्वारा भारत से जो है नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है, यह जाता था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री जो है पीपली में स्थापित, प्रथम डच फैक्ट्री आप बताएंगे कहाँ पर, पीपली में स्थापित किए गए थे। और वहीं चिंसुरा सर्वाधिक शक्तिशाली डच व्यापारी केंद्र था, जो गुस्तावुल नामक किले का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं डेनमार्क, डच के बाद आप बात करें डेनमार्क की बात। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में हुई थी इसकी स्थापना। डेन लोगों ने 1620 में त्रंकोबार यानी तमिलनाडु में, 1676 ईस्वी में जो है सोरामपुर में व्यापारिक बस्ती स्थापित किया था, कहाँ पर, सेरामपुर में। अब सेरामपुर कंपनी में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, और वहीं पर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने 15 वर्षों का अधिकार दे दिया। और दक्षिण में 1611 में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना किया गया, कहाँ पर, तो आप बताओगे मसूलीपट्टनम में भी, अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। एक एक चीज़ें आपको जो कोई समस्या हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, कि बाद में आप रिवाइज जरूर कर सकें। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से
मद्रास पट्टे पर प्राप्त कर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया। देखिए कहा गया है 1649 में फ्रांस डे ने अंग्रेजों को चंद्रगिरी के राजा मद्रास से पट्टा लेकर अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया था किया था। अब बात करते हैं 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय से हुआ तथा बम्बई को दहेज के रूप में ब्रिटेन को प्राप्त हुआ। बम्बई को दहेज के रूप में किसे प्राप्त हुआ आप बताओ कि ब्रिटेन को प्राप्त हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पुर्तगालियों को दहेज के रूप में क्या मिला था बताओ मुंबई को मिला था। अब बात करते हैं चार्ल्स द्वितीय 1600 बम्बई को दहेज बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1668 में। अब भारत के फ्रांसीसियों को प्रथम कोठी जो है कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित हुआ किसके तो फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है कैरो द्वारा कहाँ पर आप बताएंगे सूरत में स्थापित किया था। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने शेरखां लोदी से पुदुचेरी नामक गांव पर प्राप्त किया और पौंडचेरी की स्थापना की पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त किया और कौन सा पौंडचेरी की स्थापना किया था। अब बात करते हैं चंद्रनगर फ्रांसीसियों का केंद्र बन गया जहां फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले नियुक्त किया गया। पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था बताओ डुप्ले था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था कैप्टन बर्नर तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था डुप्ले कर रहा था। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के से प्रभावित हुआ था। और वही बात करते हैं 1748 में जो है यक्सला सैपल संधि से समाप्त हो गया जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था किस संधि से समाप्त हुआ आप बताएंगे यक्सला सैपल की संधि से। इसमें संधि बहुत बार पूछा गया है और कब हुआ तो ये जो है 1748 में हुआ था ये चीज़ें याद रखना है। अब बात करते हैं 1857 की विद्रोह की चर्चा कर लेते हैं प्यारे साथियों इसमें सब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ही शामिल किए गए हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो कैनी था। 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था तो आपको बात याद कर लेना है कैनी था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे। 1857 ईस्वी में विद्रोह को जन्म देने वाले राजनीतिक कारणों को डलहौजी की व्यक्तिगत नीति प्रमुख थी। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति क्या थी प्रमुख थी। अब बात करते हैं चर्बी वालों कारतूसों का प्रयोग जो है करना 1857 ईस्वी में विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता था। अब नेक्स्ट है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग के विरोध में पहली घटना 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर की छावनी से 34वीं एनआई रेजिडेंट में मंगल पांडे ने किया था। किस रेजिमेंट के थे आप बताओ 24 एनआई रेजिमेंट के थे। कहाँ पर बैरकपुर छावनी ये नियुक्त थे और किसकी हत्या करते लेफ्टिनेंट बाग और जो है जनरल हेडसन को गोली से मार दिया था किसने तो आप बताओगे पांडे ने। अब सबसे पहले किसने बलिदान दिया तभी मनोज पांडे का ही नाम आएगा। 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दी गई। भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को 20वीं एनआई पैदल सैनिकों ने जो बाद में कानपुर बरेली और झांसी दिल्ली अवध पर जो स्थानों पर फैल गया। अब देखिए विद्रोह कहाँ कहाँ और कौन कौन इसमें जो है विद्रोही थे ये जान लेते हैं। दिल्ली से किसने बहादुर शाह जफा और बख्त खां जो थे इन्होंने विद्रोह किया था 11-12 मई 1857 को। अब बात करते हैं ये कुचलने वाला अधिकारी कौन था निकलसन तथा हटसन था। अब कानपुर में आपको बता दें नाना साहब तात्या टोपे 5 जून को देखिए कितना गैप था 5 जून को 1857 ईस्वी में। और कौन कालिन कैम्बल तथा हैवलॉक जो थे यहाँ पर इसको दबाने वाले अधिकारी थे विद्रोह को। बेगम हजरत महल जो थे लखनऊ या अवध की थी 4 जून 1857 में विद्रोह हुआ तो कैंपबेल तथा हैवलॉक तथा आउटरम ने जो है इसको दबाया था किसने कॉलिन कैंपबेल हैवलॉक और आउटरम ये 3 लोग थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया था। झांसी का बात कर लेते हैं ग्वालियर झांसी और ग्वालियर के विद्रोह का रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे जो है विद्रोही थे 4 जून 1857 को जनरल हिरोज ने जो है इसको दबाया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह अमर सिंह 12 जून 1857 ईस्वी में विलियम टेलर और बिसेंट आयर ने जो है इस आंदोलन को दबाया था। देखिए इसमें आपको ये जरूर याद कर लेना है जनरल हिरोज वाला और निकलसन हटसन वाला और उसके बाद लखनऊ वाला जो आपको याद कराना कैंपबेल और आउटरम जरूर याद कर लेना है। फैजाबाद का मौलवी अब्दुल्ला
जून 1857 में जनरल रेडार ने जो है दबाया था। इलाहाबाद में लियाकत अली खान और कर्नल नील ने जो है यहाँ पर दबाया था विद्रोह को। बरेली के खान बहादुर खान बख्त खान जो थे उस समय जून 1857 को बिसेंट आयर कैंपल ने ही जो है यहाँ का विद्रोह भी दबाया। फतेहपुर का अजीमुल्ला रैनर और कैंपल ने, देखियो कई एक साथ विद्रोह नहीं हुआ, नहीं तो सफल होता सब। देखिए एक कैंपबेल यहाँ पर भी देख रहे दिख रहा है, कैंपबेल जो है यहाँ हर जगह कैंपबेल कई जगह आपको दिख रहा है, इसका मतलब एक साथ विद्रोह हुआ होता तो कहीं ना कहीं जीतने की संभावना अधिक हो जाती। अब बात करते हैं जन आंदोलन एवं आदिवासी विद्रोहों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि नेता कौन थे, कब समय हुआ। देखिए सन्यासी विद्रोह तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया, सन्यासी विद्रोह केना सरकार ने विद्रोह किया था, 1770-1780 के बीच में हुआ था ये आदिवासी विद्रोह था। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, मजनून शाह चिराग अली और भवानी पाठक और देवी चौधरानी थी और 1776 में, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पागलपंथी उत्तर पूर्वी में था करम शाह और उनके पुत्र टीपू शाह ने, करम शाह और पिट्टू शाह ने, टीपू शाह ने जो है पागलपंथी विद्रोह किया था। फैराजी विद्रोह आप बताएं बंगाल में फैला था, सरियतुल्लाह और उनके पुत्र दादू मियां ने जो है 1839 में, वहाबी पेशावर पटना और सैयद अहमद राय बरेली ने जो है इसको दबाया था। कूका आंदोलन पंजाब में भगवत जवाहरमल बालक सिंह और राम सिंह कूका ने दबाया था। मोपला विद्रोह जो है केरल में सैयद अली और सैयद फजल ने दबाया था मोपला विद्रोह। मोपला देखिए इसमें राज्य आपको मोपला विद्रोह केरल बहुत पूछा जाए, कूका पंजाब पूछा जाता है और रामोसी विद्रोह सतारा पूछा जाता है और ये सन्यासी विद्रोह बंगाल पूछा जाता है। फंकीर विद्रोह, ये सब विद्रोहों को आपको जरूर याद रखना है, नेता भले न याद हो लेकिन विद्रोह कहाँ पर हुआ था ये जरूर याद होना चाहिए। और दोनों याद करें तो कहते हैं सोने पे सुहागा ही माना जाएगा। अहोम विद्रोह असम में और नेता कौन थे, गोमधर कुंवर थे। चुआर विद्रोह मिदनापुर में और दुर्जन सिंह और जगन्नाथ थे 1771 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब बात होती कोल विद्रोह कहाँ पर, छोटा पुन्नाक पथार, बुद्धू भगत थे और वहीं पर संथाल विद्रोह राजमहल, ये सिद्धू और कानून ने जो है इसको विद्रोह किया था। खोड़ विद्रोह जो है उड़ीसा में चक्र बिसोई और राधा कृष्ण चंद्रसेन ने। भील विद्रोह आपको पता है पश्चिमी भारत और खान देश सेवरम हिरिया में। खांसी विद्रोह जयंतिया और गारो खांसी विद्रोह गारो खांसी जयंतिया पहाड़ियों पर तीरथ सिंह और बारम निस मुकुंद सिंह ने जो है। मुंडा विद्रोह जो है छोटा नागापुर और बिरसा मुंडा ने। ताना भगत छोटा नागपुर पठार। रंपा विद्रोह गोदावरी नदी पर, ये अल्लूरी सीताराम राजू ने जो है रंपा विद्रोह किया था। नागा विद्रोह जो है नागालैंड में रेमगई जटनौ और गैडनलू ने जो है इसको गैडनलू रानी की उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था रानी गैडनलू को। अब एक एक चीज़ में फिर से आप एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें उसके बाद जरूर इसको पढ़ें। अब भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए शिक्षा का विकास आपको देख रहा होगा स्क्रीन पे, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है कलकत्ता मद्रास की स्थापना, अंग्रेजों द्वारा भारत की शिक्षा का विकास शुरू हुआ था। 1784 ईस्वी में सर विलियम ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था, विलियम जोन्स ने। कब किया, 1784 में, ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। अब मदरसा की स्थापना भी कब पूछा, वारेन हेस्टिंग्स ने कब किया था, 1781 में। अब बात करते हैं 1751 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो आप बताओ जोनाथन डंकन ने कब किया, 1751 में, जिसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन कराना था। किसने, जोनाथन डंकन आपको याद करके रखना है। 1800 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने, विलियम और वेलेजली आपको याद करके रखना है, विलियम और वेलेजली, फोर्ट विलियम और वेलेजली आपको इजीली याद हो जाएगा। अब बात करते हैं 2 फरवरी 1835 में काले ने अपना स्मरणार्थ लेख यानी मैकाले मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि पश्चिमी विज्ञान और साहित्य पढ़ाने के लिए अंग्रेजी भाषा सबसे अच्छा माध्यम है। सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया। और बात करते हैं शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत इन टपकन सिद्धांत लागू किया मैकाले ने, कहा कि उच्च लोगों को पढ़ाओ निचले लोगों तक टपकते टपकते पहुँच ही जाएगी। देखिए इसमें कहा गया है सिद्धांत उच्च वर्ग को सबसे पहले शिक्षित किया जाए, जिससे शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जो है साधारण तक पहुंच जाएगा। ये बात कहा था टप्पन की लिपि से छन छन नीचे अपनाया था किसने, आप बताओगे मैकाले ने। सल 400 की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 ईस्वी में भारत में भावी शिक्षा की एक बृहद योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा का नियामक पद्धति का गठन किया गया। अब यही चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में बात करते हैं।
चार्ल्स वुड डिस्पैच को शिक्षा का मागना काटा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। सर टॉमस रेले की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थिति को आकलन करना था। मैग्ना कार्टा वाला जरूर याद रखना, किसको कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, सैडलर आउट भी शिक्षा से संबंधित था। मैसूर, पटना, बनारस और अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। उनके लिए कुलपति की भी नियुक्ति का सुझाव दिया गया। अब वहीं पर देखें, हाटोंग समिति बहुत इंपॉर्टेंट। हाटोंग समिति की सिफारिश के आधार पर 1835 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना, केंद्रीय सलाहकार की बोर्ड की स्थापना 1935 में किया गया था। किस ये चीज़ें याद रखना है। अब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के लिए जो है इसका हाटोंग समिति के पीछे रामकृष्ण आयोग 1947-48 में सुझाव द्वारा भारत सरकार 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे UGC कहते हैं, UGC की स्थापना किया गया। अब समाचार पत्रों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तीस समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। देखिए कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी 1684 ईस्वी में बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है स्थापित किया। 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिस्की ने जो है द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से भारत का पहला समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया गया, जिसे बंगाल गजट से नाम से जाना गया। देखिए क्या दोनों नाम, द कलकत्ता जनरल एडवाइजर के नाम से जो है पहला समाचार पत्र जारी किया गया, जिसे द बंगाल गजट नाम से जो है जाना जाता है। अब ये किसने प्रकाशित किया था? जेम ऑगस्टन हिक्की, दोनों याद रखना है। 1817 में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का अंग्रेजी में प्रकाशन किया। और वहीं पर बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय प्रेस का स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे? राजा राम मोहन राय को। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है 1778 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया। इस अधिनियम का मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को कहा गया था। जिन पत्रों के विरुद्ध इस अधिनियम को लागू किया जाता है उनके प्रमुख थे सोम प्रकाश, भारत मिहिर। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन द्वारा जो है 1882 में जो है रद्द कर दिया गया। चार्ल्स मेटकाल्फ तो भारतीय पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। मुक्तिदाता भारतीय पत्र का किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाल्फ। कृष्णदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, कृष्णदास पाल को। चलते हैं, पैसा तो बने रहें। अब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कर लेते हैं। आत्मीय समाज की स्थापना जो है 1814 में बंगाल में, और किसने किया था आत्मीय समाज की स्थापना आप बताओगे? राजा राम मोहन राय ने। और वहीं ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज की स्थापना, और देखो डेट इसमें 1828 और 14, पहले 14 उसके 14 साल बाद 28 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और तत्वबोधनी सभा की स्थापना जो है 1839 में जो है बंगाल में हुई, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था तत्वबोधनी। एक एक चीज़ इसमें, प्रार्थना समाज, प्रार्थना कैसे करेंगे आप? अब वहीं पर बात करते हैं आर्य समाज जो है 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना किया था। अब रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में कलकत्ता में जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अब आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था, कर्नल आलकार्ट तथा मैडम गोला ने किया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें शारदा सदन की स्थापना रमाबाई ने किया था। महाराष्ट्र में यंग बंगाल की स्थापना हेनरी विवियन डेरेजियो ने। इसको स्क्रीनशॉट लिए, बार बार रिवीजन करते रहे प्यार साथियों। अब बात करते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना महाराष्ट्र में, और किसने? विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। रहनुमाबाई मजदायसन सभा जो है बम्बई में हुआ। नरोजी फरदोज जी और दादा भाई नरोजी ने जो है, और यशस बंगाली, तीनों लोग मिलकर किए थे। देवबंद आंदोलन आपको बताएं मोहम्मद कासिम ननौतबी और रसीद अहमद जो है गंगोई ने किया था। अहमदिया आंदोलन जो है किसने किया? गुलाम अहमद ने किया था कादियान पंजाब में। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र में जो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आप बताएंगे अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने किया था। डंकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है पूना में रनाडे आगरकर ने किया था। राधा स्वामी संप्रदाय की स्थापना आगरा जो है शिव दयाल खत्री ने किया। मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में अब्दुल लतीफ ने किया। जस्टिस आंदोलन की स्थापना जो है सी एन मुदलियार और टी एन मनार और
पी त्यागराज चट्टी ने किया था। देखिए एक एक चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, यदि आपको लगे कि चीज़ें नहीं जाने तो स्क्रीनशॉट लेने में आप बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। अब यहाँ पर बात होती प्रजा मित्र मंडली की स्थापना मैसूर में हुई, सी आर रेड्डी ने किया था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम ने केरल में जो है श्री नारायण गुरु यम कुमारन आसन का निविल का स्थापन किया था। आत्मा समान सम्मान आंदोलन की स्थापना ई वी रामास्वामी ने किया था। वायकोन जो है त्रावणकोर में केशव मेनन ने किया था। गुरुवायूर जो है किसने के केलप्पम और गोपालन ने किया था। अब देखिए इसमें दो और हैं, ये विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट थे ऊपर आपको दिखा दिया गया। अब देखते हैं ब्रिटिश काल में प्रमुख समाज सुधार कानून जो थे उनको देख लेते हैं। कन्या शिशु हत्या निषेध कानून जो है 1795 में सर जॉन सोर ने जो इसकी स्थापना किया था। सती प्रथा निषेध कानून जो है विलियम बैटिक ने स्टार्ट किया था सती प्रथा 1839 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया कब 1856 ईस्वी में। हिंदू और लॉर्ड डलहौजी ये चीज़ें याद रखना है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है लॉर्ड लेंसडाउन ने किया था, जबकि शारदा एक्ट जो है विवाह की आयु को निर्धारित करना ये लॉर्ड इरविन ने किया था, इसको आपको जरूर नोट कर लेना है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनकी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करें इसमें से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1895 में। स्थापना किसने किया था एलन एक्टिव्यू ने एओ ह्यूम ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1885 में प्रथम कांग्रेस सम्मेलन में जो है कांग्रेस संघ का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, पहले कांग्रेस संघ था अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था 1895। 1905 में कांग्रेस का उदारवादी, जबकि 1905 से 1909 के युग को जो है उग्रवादी कहा गया। 85 से 5 तक का जो है उदारवादी, जबकि उदारवादी यहाँ समझे उदारवादा नहीं, और 1905 से 9 को जो है उग्रवादी युग कहा गया। अब क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण देख लेते हैं। नेक्स्ट है 22 जून 1897 में दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड तथा एमहर्स्ट की हत्या कर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किया था। किसने 1857 में दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना जो है 1902 में मिदनापुर के ज्ञानेंद्रनाथ बसु तथा कलकत्ता में पी मिश्रा ने किया था। प्रफुल्ल चाकी की बात, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। खुदीराम बोस कब सबसे कम उम्र जो है क्या गया सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं। चलते 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए बोस जापान चले गए और अवध बिहारी और अमीर चंद्र और लाला मुकुंद तथा बसंत कुमार को गिरफ्तार कर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाकर मुकदमा चला गया। इस केस में जो है दीनानाथ सरकारी गवाह था। अब बात करते हैं पंजाब क्रांतिकारी अजीत और सूफी अंबा प्रसाद लाला लाजपत राय शामिल थे। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब में गदर पार्टी का प्रमुख केंद्र बन गया था। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। 1905 में लंदन के श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया लंदन में। इसके मुख्य सदस्य बी डी सावरकर, हरदयाल एवं मदन लाल ढींगरा आदि थे। सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वशासन प्राप्त करना था। होम रूल सोसाइटी की स्थापना सोशियोलॉजिस्ट नामक जो है समाचार पत्र का प्रकाशित किया गया, जिस इंडिया हाउस की स्थापना की। और वहीं पर भीखाजी कामा ने मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन भी कहा जाता। भीखाजी कामा को जो है भारत के क्रांतिकारियों की अम्मा कहा जाता, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब जो है समाचार पत्र की पत्रिकाओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए युगांतर की रचना बारिंद्र नाथ घोष ने, योम्स भूपेंद्र सिंह ने किया था बंगाल में किया था। संध्या जो है ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने किया बंगाल में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, वंदे मातरम भीखाजी कामा ने, वंदे मातरम की पुस्तक है वंदे मातरम, वैसे तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गान जो है आप बताएंगे ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था और वंदे मातरम पुस्तक था। फिर अरविंद घोष एवं विपिन चंद्र पाल ने बंगाल में किया, ये पुस्तक का नाम है। तलवार पुस्तक का नाम किसने, वीरेंद्र
श्री हिंदुस्तान तारकनाथ ने बैकूर में भाई बर्लिन में लिखा गया तलवार, बंदी जीवन जो है सन्यासी सन्याल ने किया था, और वहीं गदर गदर पार्टी के स्थापना गदर पुस्तक के लाला हरदयाल व अन्य गदर सैन फ्रांसिस्को में किया, भारत माता जो है पुस्तक अजीत सिंह ने किया था पंजाब में, भवानी मंदिर अरविंद घोष ने, जबकि पथेर तावी जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था, आपको इसको देख लेते, स्वदेश सेवक जो है जी डी कुमार वैकोवर ने किया था। 20 जुलाई 1905 ईस्वी में जो है करजन बंगाल विभाजन की घोषणा जो 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुआ, इसके तहत पहले भाग में पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल तथा उसमें मिलकर नवीन प्रांत गठित किया, इसमें राजधानी ढाका और दूसरे भाग को पश्चिम बंगाल उड़ीसा और बिहार को हिंदू बाहुल्य को रखा गया, जिसकी राजधानी कलकत्ता की गई थी। देखिए दोनों आप देख लीजिएगा, कहा गया कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया जो है असम को मिलाकर नवीन प्रांत बनाया गया जिसकी राजधानी ढाका की गई, और हिंदू बाहुल्य वाले की जिसकी राजधानी कलकत्ता की गई। सात अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों ने वंदे मातरम गीत गाए और एक दूसरे को राखी बांधी। कब? 16 अक्टूबर को। ये चीज़ें याद रखना, शोक दिवस मनाया गया। बंगबंध आंदोलन का नेतृत्व तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर टैगोर ने अमार सोनाल बंगला नामक गीत लिखा जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, और इन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा था। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। पहली बार स्वराज की मांग कब किया गया? 1906 में। किसने किया था तो आप बताओगे? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट, 1907 में सूरत अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन लेकर कांग्रेस उग्रवादी गर्म दल और नरम दल जो है एक दूसरे से विभाजित हो गए, अलग हो गए। अब 1907 इसमें सूरत अधिवेशन के उग्रवादी लाला लाजपत राय को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे, अतः रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अब नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के बाद 1 अक्टूबर 1906 में को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के प्रतिनिधिमंडल शिमला के वायसराय लाल मिंटो से मिला। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 को मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की। ये मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक सदस्य बने। ये मुस्लिम लीग की बात हो रही, कब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई तो आप बताओगे? 1906 में ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग 1908 में प्रथम अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, यानी मुस्लिम को मुस्लिम ही चुने, हिंदू नहीं। 1909 में मार्ले मिंटो ने अपना जो है सुधार पूरा किया। नेक्स्ट, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत आगमन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मेरी के स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार भव्य दरबार स्थापित किया, जिसे दिल्ली दरबार कहा गया। दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द करने तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। कब? 1911 में ही। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1914 को प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके लिए उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दिया था। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि किसने? ब्रिटिश सरकार ने दिया था। अब बने रहे कि जब देखिए हम गांधी जी का आगमन देखने वाले हैं, आगमन के बाद क्या क्या चीज़ें हुआ, और प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों को भी देखने वाले हैं, क्रांतिकारी संगठनों को भी देखने वाले हैं, बने रहे एक राष्ट्रीय आंदोलन को भी देखने वाले कई चीज़ें, तो अब मज़ा आने वाला है, बस बने रहे हमारे साथ। देखिए कहा गया है, बने रहे हमारे साथ। जून 1914 ईस्वी में तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर भारत में होम रूल लीग की स्थापना किया था। 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव और सितंबर में 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया। सबसे पहले तिलक ने किया था अप्रैल में, और उसके बाद जो है सितंबर में जो है एनी बेसेंट ने किया था, तो याद करके रखना है। एनी बेसेंट ने जॉर्ज एंड्रेल को होम रूल लीग का सचिव किसे बनाया गया? तो जॉर्ज, और कहाँ पर? अड्यार में इसका मुख्यालय रखा गया होम रूल लीग का।
नेक्स्ट है, इनिबेशन ने पत्रों में कॉमन बिल, न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा केसरी के माध्यम से होम रूल का प्रचार किया। 1917 में एर्विन मॉन्टेग्यू तथा भारत के सचिव नियुक्त किया गया और मॉन्टेग्यू ने भारत को उत्तरदायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। इस घोषणा के बाद होम रूल लीग का समाप्त हो गया। कब? 1917 में होम रूल लीग क्या होगा, समाप्त हो गया। और स्थापना कब हुआ था तो आप बताओ, 1916 में स्थापना और 17 में इसका अस्तित्व खत्म हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की द्वैत शासन की स्थापना की गई। 1919 में भारत में विधान मंडल को पहली बजट पास करने के संबंधित अधिकार दे दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम में ही द्वैत शासन आया और उसके बाद में पहली बार लोक सेवा आयोग की। अब आप बात करते हैं गांधी जी के आगमन के बाद क्या क्या हुआ। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी आए। आने पर 1915 में अहमदाबाद के समीप साबर नदी के तट पर इन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया। गांधी जी ने 1909 में लिखी अपनी पुस्तक में हिंद स्वराज में स्वशासन का विस्तृत व्याख्या किया था। 17 से 18 में बीच गांधी जी ने 3 सफल आंदोलन किया था। पहला कौन सा? चंपारण तिनकटिया के विरुद्ध था। तिनकटिया क्या था आप देख लीजिए। इसमें चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक किसानों से जो है जबरन नील की खेती करवाते थे, 3/20 हिस्सा अधिशेष के रूप में वसूलते थे, जिसे तिनकटिया पद्धति कहा गया। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा की उपाधि दिया था इसी के। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किसानों का अंग्रेजों सरकार ने कर वसूली के विरुद्ध जो है आंदोलन शुरू किया। खेड़ा सत्याग्रह हार्डिमन ने भारत पर पहला किसान सत्याग्रह कहा। हार्डिमन ने किसान सत्याग्रह पहला किसान खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम किसान सत्याग्रह किसने कहा? हार्डिमन ने कहा था। अधिकृत थर्ड की बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी जो 18 में हुआ। मजदूरों द्वारा मालिकों के बीच विवाद हो गया। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने का फैसला किया जबकि गांधी जी ने 35% बोनस दिलवाया। भूख हड़ताल शुरुआत पहली भूख शुरुआत यहीं से हुई थी। अब आपके रोलैट एक्ट जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से कुचलने के लिए 1917 ईस्वी में सिडनी रोलैट ने अध्यक्षता में 1919 में रोलैट एक्ट पास हुआ। इसके अंतर किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को मुकदमा चला के जेल भेजा जा सकता था, दंडित कर सकती थी बिना वकील, बिना दलील और बिना किसी का अपील के जो है 6 महीना तक रखा जा सकता है। अब इसी के बाद जो है सब इकट्ठी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं, रोलैट एक्ट विरोध में 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई। पंजाब के लेफ्टिनेंट वो डायर ने निहत्थी भीड़ पर जो है गोलियां चलवा दी। लगभग 1000 से भी अधिक लोग मारे गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन गांधी जी तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध था। इसमें भारत के मुस्लिम और के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन इसके बाद चला 1920 में ही, गांधी जी 1 अगस्त 1920 में शुरू किया। असहयोग आंदोलन में विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए गए स्कूलों कॉलेजों को जाना छोड़ दिया। श्रमिकों तथा अन्य वर्ग के लोगों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब बात है चौरी चौरा कांड के बाद इसको खटक 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड में जो है 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को जो है इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अब देखते हैं इसके आगे, देखिए कहा गया 12 22 में जो है बारदोली कांग्रेस में बैठक हुई। इस आंदोलन में इसको समाप्ति की घोषणा किया गया। किस आंदोलन में समाप्ति की घोषणा किया तो बारदोली के कांग्रेस अधिवेशन में। अब कांग्रेस गतिविधियों का दूसरा चरण हम देख लेते हैं। 1924 से 1934 के बीच जो है दूसरा चरण था। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद कानून क्रांतिकारी तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। कब हुआ तो 1924 में एचआरए की स्थापना किया गया। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे में सहारनपुर में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन एचआरए द्वारा जो है सरकारी खजाना लूट किया गया, जिसे काकोरी कांड के नाम से लखनऊ में ही है काकोरी। काकोरी कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल तथा अशफाकुल्ला को जो है फांसी की सजा दी गई। जबकि 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु को साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला जी की लाठियों से प्रहार करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दिया था इन सब ने। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकने के समय पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, परंतु इसका प्रयोग नारे के रूप में पहली बार
भगत सिंह ने किया था इंकलाब जिंदाबाद। किसने किया था इस नारे का को लिखा किसने था, आप बताएंगे, इकबाल ने किया था, मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट अब बात करते, देखिए प्रमुख राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन, देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता द्वारकानाथ टैगोर ने, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी लंदन में विलियम एडम्स ने, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर राधाकांत देव ने, लंदन सोसाइटी लंदन में पुरुषोत्तम मुदालियर ने, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी ने इसको किया था, पूना सार्वजनिक सभा पूना में महादेव गोविंद राणा ने, इंडियन सोसाइटी लंदन में आनंद मोहन बोस ने किया था। प्यारे साथियों बने रहें, कुछ चीज़ें आप देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसको आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं स्लो स्लो स्क्रीन को चला रहा हूँ, 2 से 3 मिनट में आपको पढ़ लेना है इसको। इतना हमने जो है डिस्कस कर लिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को रोक रोक के 1-1.5 पेज पढ़ लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।